डांगर राखा। हाँ, गोबर पानी हुए चल। डांगर राखा मतलब डांगर क्या होता है? भैंस रखा जी। बुढ़िया बैठी, बुढ़िया को लेने देना। इतने का ना उम्र घट जाएगी, छोर की बोले नाम ना लिया करो। वोट मांगनी हो गया? अरे ना ना, वोट मांगने ना है दादी, हम सास बहू का झगड़ा यूनिवर्सल है। हाँ, ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह। ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा है। हाँ जी, बराबर दोनों को जो है भैंस का दूध टाइम से मिल जाता है? हाँ जी दोनों को। इसने फालतू मिला जी दूध, दूध तो छोड़ दो। हाँ जी, जितनी भी उसने कमाई हो है नी, इज्जत जो भी लगा लियो, इतनी बड़ी कर दी वा, फिर भी वो मांगन की लालच उसका बढ़ता है जावे है। जब भी गाड़ी दे दियो, इबनू दे दियो, इबनू दे दियो, या तो डिमांड है कितनी है ले लियो। नू तो कौन देख दे भाई, अगले ने घर पैड के दिया है तारा, अग छोरी दे ही है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। क्या नाम बताया आपने? सुमन। ये कौन सा काम है सुमन? सुमन जी, गिराए, गिराए घी, राय, राय भी और घी भी है आपके गांव में? हाँ, गिराए। सही है। हाँ, आपके गांव में घी ज्यादा है क्या? हाँ सर। है कितना होता है घी? कितना जाए अपना, कितना चाहिए इतना मिल जाएगा। हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम हरियाणा में है और ये हरियाणा में हिसार ज़िला है, हिसार लोकसभा सीट है और वहाँ का एक गांव है गिराए। यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की तो महिलाएं बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। हम, आप जानते हैं कि ललन टॉप चुनाव यात्रा में सिर्फ चुनाव नहीं दिखाता, थोड़ा इलाके की संस्कृति, सभ्यता, पहचान को दिखाने समझने की कोशिश करता है। तो दीदी जो है बहुत शर्मा रही थी, आप इतना शर्मा रही थी, इतना शर्मा रही थी कि उठ के जाने को तैयार थी। अब ठीक है? अब ठीक हूँ। अब ठीक है? ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। सब कति ओके? एक आधी बार बीच में भूल सकूँ। ऐसा कुछ याद करके थोड़े ना पूछना है। हाँ कति। अच्छा ये बताओ, आपका मायका कहाँ पे है? दरियापुर। ये कौन से जिले में पड़ता है? भिवानी जिले में। भिवानी। आपका क्या नाम है? किरण। किरण, आपका कहाँ है मायका? भिवानी। आप दोनों एक ही घर से हो क्या? मैं प्रॉपर भिवानी से हूँ। ये क्या डिसप्रॉपर भिवानी? नहीं, ये गांव है उनका, भिवानी के पास में। अच्छा। गांव है, गांव में प्रॉपर शहर। तो ये हिसार वालों की शादियाँ भिवानी में हो रही है क्या? हाँ, भिवानी जिला है ना मेरा। हाँ। तो हिसार वालों का रिश्ता जो है वहाँ हो रहा है क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताओ दीदी, मुझे बहुत सारी कुछ लोग मिले बोले कि हरियाणा में आजकल शादियों में दिक्कत हो रही है, ऐसा है क्या? बहुत है, बहुत है। लड़कियां हैं नहीं और लड़कियां पैदा करते हैं, पाप मानने लग रहे हैं, तो शादियां कहाँ होंगी लड़कों की? अच्छा। हाँ अभी भी होता है क्या? हाँ बहुत होता है। लड़की इतने चाहे आप पढ़ाई करवा लो, नौकरी करवा लो, लेकिन लड़कों के होते ही नहीं है हरियाणा में, ज़्यादातर जाटों में, हमारे जाटों में तो होता ही नहीं है लड़कों का। बहुत ये, हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है शादी के लिए, और करते हैं तो आस पास आमने सामने, जैसे एक ही घर में अगर लड़की है लड़का है तो उसी का दूसरा भी लड़का लड़की हो तो ही शादी होगी। आटा साटा, आटा साटा। हाँ है? ऐसे बताए मुझे। हाँ, ऐसे। ये मुझे राजस्थान में पता चल गया था कि आटा साटा होता है कुछ। है राजस्थान तो बेरा पटिया था ना। हाँ, बेरा पटा है, बेरा पटना का मतलब होता है पता चला है ना। और क्या होता है हरियाणवी, थोड़ा मुझे सिखा दो आप। तो यार आप भूल गई, अपनी हरियाणवी भूल गई हो। अच्छा घर में कैसे बात करते? थोड़ी ये और ये बताऊंगी, दो चार सुनाऊंगी। सबसे पूछूंगा पहले, आप जो डर रही हो, आपसे तो आपकी धड़क तो खुले। अच्छा ये बताओ कि सही में क्या यहाँ पे जो है यूपी बिहार से बहुएं लाई जा रही है? हाँ। लाई जा रही है। कोई आया आपके गांव में? आपकी बात समझ में ना आती होगी। आज हमारे दो रह करना सारी चीज समझ में है। आज है सारी बार रोआ है मार। मुझे तो कुछ कुछ आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी में बोलती है, दादी बोल दे रही थी तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो उनको समझ में आ रही है? आ रही है, रह जाती है ना, धीरे आदत पड़ जाती है ना धीरे धीरे। एक साथ तो आप किसी कहीं भी चले जाओ, एक साथ तो नहीं समझ में आएगा,
किसी चीज में अगर आपको रहना है तो ढलना पड़ेगा ना। थोड़ा अपने गांव और अपने हरियाणा के बारे में बताइए, जिसे बाहर के लोग जो नहीं जानते उनको थोड़ा अगर जानकारी मिले तो। क्या मैं तो देखो शहर से हूँ तो गांव के बारे में इतना वो नहीं करती। आप इनसे पूछिए गांव के बारे में अच्छे से। आपकी शादी कब हुई? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल? हाँ, 8 साल से 8 साल से अभी आप गांव में नहीं रहते? हाँ गांव में रहती हूँ, लेकिन उस रंग ढंग में नहीं डली अभी। 8 साल में नहीं हो पाया? नहीं। हाँ लेकिन ये है, अच्छा है, अच्छा है माहौल। बच्चा पर गैस पर है यार। हाँ बैड रेस्ट है इसका। 8 साल बाहर कौन है लिगड़ी दी। 8 साल से है तो आपकी सासू माँ कौन है? उधर बैठी है दादी, आ जाओ बैठो। अच्छा इनको बोल दो आप। अच्छा ये जो आपने पहन रखा है इसको क्या बोलते हैं? वोट मांगनी हो गया आप? अरे ना ना वोट मांगने ना है दादी हम। हाँ पहले आप जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये जो आपने अटायर पहना हुआ है, ये जो कपड़ा पहना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कपड़ा ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कपड़ा तो बोलते हैं, सलवार कपड़ा बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कुर्ता। हाँ पर सलवार कुर्ता कर। हाँ सलवार कुर्ता को। इनका सलवार कुर्ता और इनके में तो अंतर है ना? अंतर है, ये तो जम्फर सलवार से है, वो सलवार कुर्ता ही है जम्फर सलवार से। इसका गोड़ जोड़ी का होगा? हाँ गोड़ जोड़ी का से। ये तो एकदम जैसे ये तो बुढ़िया का परान है, यू पाला परान है। तो यहाँ लोग साड़ियाँ नहीं पहनते, कम पहनती हैं? हाँ, 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 गांव में साड़ी बहुत कम पहनती हैं। ब्याह शादी में चुन्नी लंगे भी धोती भी साड़ी भी सारी बंद है, उनको नहीं पार दे। और शर्ट भी पहनते हैं, कमीज पहनते हैं? उन्होंने पहनती हैं आजकल की लड़कियाँ, ऐसे बोल। शर्ट भी पार ले हैं, लोअर भी पार ले हैं। दादियाँ पहनती हैं ना व्हाइट कलर का शर्ट, वो कुर्ता दामन। हाँ। दामन बोलते वो। हाँ उसके ऊपर। हाँ पहनती थी, पहले पहनते थे, अब नहीं है ये रिवाज, अब इतना नहीं है, पहले पहनते। बड़ी लुगाई गामा में पा रही बीबी, बूढ़ी लुगाई को बड़ी गुजरे पा रहे हैं। किरतार की माँ पहरिया कर दी है। आप तो बूढ़ी नहीं हो ना? माँ तो बता रही है की 65 साल की है, फिर मेरा तो परा नहीं यू है। अरे अभी तो आपका 30-35 साल बाकी है। 30-35 साल बाकी है। हाँ। ना बुढ़े है गे, साठ। आप लोग घी खूब खाते हो ना? हाँ घी दूध तो फिर हरियाणा में खावेंगे। हाँ। सारे खावे हरियाणा में घी दूध दही लासी। ये आप लोग आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हो? ये आप इसी गांव से हो? हाँ जी इसी गांव से। आप यहाँ की बहू हो? बहू जी। और आप भी भिवानी से हो क्या? ना जी मैं बराण था जी। कहाँ से? बराण है। ये कहाँ पे? रोहतक जिला जी। रोहतक जिला। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? खेती करें जी। अच्छा ज्यादातर लोग यहाँ पे खेती करते हैं? खेती करते हैं। सरकारी नौकरी में भी लोग हैं? ना कोनी मारे तो सह कोनी, मारे तो सह कोनी, मारे तो बालक भी एमए करे घर बैठे हैं। ये लड़की एमए कर रही है घर बैठी है, खेती करा है थोड़े थोड़े। कितने खेत हैं आपको? जी 2 किले हैं, दो किले जी। 2 किले? हाँ जी। तो दो किले में तो क्या कितनी खेत क्या ही उगाते होंगे? गेहूँ जीरी जी। गेहूँ और दाल? गेहूँ दाल। गेहूँ दाल। हाँ जी। तो आपको आप भी हेल्प करती हूँ खेती में? हाँ जी कर भी दें जी, जो कुछ जरूरत पड़ा जब कर भी दें। हाँ तो घर का भी कर लिया। हाँ हाँ जी डांगर रखा। हाँ गोबर पानी हुई चल। डांगर रखा मतलब डांगर क्या होता है? भैंस रखा जी। भैंस को डांगर बोलते हैं? हाँ जी भैंस रखा। तो कितनी भैंस है आपकी? 2 भैंस है जी। 2? हाँ जी। तो सब परिवार के लिए हो जाता है दूध? हाँ जी हो जाए जी। जी 2 भैंस है। इतना क्या ऐसा है कि दिन भर आप कह रहे हो डांगर देखना पड़ता है क्या? भैंस तो बांध दिया खिला दिया। हाँ जी सारे दिन देखना ही पड़ा, जो 2 टाइम खिला दिया उससे काम की कुछ चल गया। सारे दिन देखना ही पड़ा, जिन्हों आनी भी, उनके चीचड़ भी तोड़ने, गोबर भी गिरना, सानी भी गिरनी, पानी भी पिलाना। हाँ सारा दिन चल लेता जी काम। टोड़े भी बनाने? हाँ जी वही गोसे भी पथने, बटोड़े भी बनाने। हाँ। सारा ही काम चल रहा जी। तो आपने पढ़ाई की? हाँ जी 10वीं तक जी। 10वीं तक? उसके बाद नहीं पढ़ाई? हाँ जी। तो ये जो आपका गाँव है, यहाँ पे जो ये दीदी बता रही थी कि बाहर से शादियां करनी पड़ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? ये जी लड़की कम होने की वजह से ही। लड़की कम है उससे फिर बिहार में तो यूपी में उड़ीसा में लेनी पड़े हैं, जमीन थोड़ी होगी जाटा का, नौकरी से को नहीं, फिर जी उड़े तो लेनी पड़े हैं। फिर उड़े से? उड़े तो लेनी पड़े।
उड़े मतलब क्या होता है? उड़े मतलब वहाँ से। हाँ जी वहाँ से जी। और यहाँ से मतलब उड़े। हाँ जी उड़े। कितना मैं समझ गया ना हरियाणवी। हाँ जी उड़े के जी तो सारे ले आऊ है सारे को नहीं सारे ले का आऊ हूँ तो वहाँ तो है नौकरी तो नहीं तो रिश्ता हो जे जी और वो पूछा को नहीं जमीन थोड़ी आया का किले हैं जिसके तो बने जी हैं हैं बड़का मैं नहीं क्या है कभी तो भी रिश्ता को नहीं होता है। अच्छा ये बताइए आप लोग जो है अपने हस्बैंड को किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से बुलाते नाम बुलाते हैं नाम को बुलाते हो रही बुढ़िया बैठी बुढ़िया को लेने देना नाम भी लेते हैं नाम लेते हो है कहाँ गई दादी? दादी इधर आ जाओ इधर उधर पंचायत किधर आ जाओ इधर इधर आ जाओ हैं बुढ़िया को लेने देती नाम है लेती है नहीं है को लेने देती नाम है ये नहीं लेने देती तो कैसे बुलाते हो आप बड़का का नाम लेके बुला लें जी प्रिंस का पापा श्रुति का पापा न्यू का हाँ जी और नाम तो कौन लेने दे जिनका पापा का आप क्या बुलाती हो बड़का का नाम ले जी हर्षित विशाल उसके पापा नाम को लेंदे बड़ा जी हस्बैंड का नाम को लेंदे क्या सोच है इसके पीछे क्यों नहीं लेते नाम बड़ी बुजुर्ग की सोच है जी मैं नाम नहीं लिया कर दादी का नहीं मतलब कुछ इसके पीछे लॉजिक बताया होगा कि ये इसलिए नाम मत लो लॉजिक तो जी बुढ़ी इतने का ना उम्र घट जाएगी छोरे की बोला नाम ना लिया करो ऐसा आप भी मानते हो क्या ना जी मान दे तो कौन जी पर जुकर कम है न्यू फिर ना ले नाम तो कभी गुस्सा आ जाए तो उस समय भी नहीं लेते नाम ना जी ना जी गुस्सा नाम करते ले होते गुस्सा में नाम करते क्या कह रही है ये इनको सासू ससुर ने मम्मी पापा को इनको ये बुआ रखा है क्या कह रही थोड़ा आप बताओ मुझे मतलब मैंने कहा जी जो कर मम्मी पापा कहाँ है नी उस व्यवहार तो रख दी तो कौन अपने मम्मी पापा तो मम्मी पापा कहाँ सासू ससुर तो कौन मान दी मम्मी पापा कहाँ है ये मुँह तो मान दी कौन अच्छा मानती नहीं है हाँ जी कहाँ है मम्मी पापा तो जरूर मना रहे वो व्यवहार करें मम्मी पापा ही बाली बहू करें जमाए को नहीं करें क्या कह रही है यू कह रही है अगर आप मम्मी पापा बोलते हो सास ससुर को उनको वो उसी वो दर्जा देते हो क्या मम्मी पापा वाला आप दर्जा तो नहीं देते बहुएं लेकिन अकेले बहुओं का कसूर नहीं होता ठीक है बन के दिखाओ तो बोलेंगे वो भी है ना अभी अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं देते दर्जा सब आप बेटी बना लो वो माँ बाप बना लेंगे है ना दो तरफा है हाँ तो आप बेटी बना लो हाँ फिर बात तो ठीक है यार अब आप मना के बेटी रखे ना खुद अपनी बेटी की डाले तो जिद बू ठीक रहेंगी अपनी बेटिया ने को दुख दे देना अपन काली को नहीं आवे खूब आवे ने तो वो व्यवहार रखना चाहिए हाँ यही कह रही हैं कि भाई अगर हम अपनी बेटी को अगर हम अपनी बहुओं को बेटी को तकलीफ नहीं दे सकते बहुओं को दे रहे हैं तो बहुएं क्यों मानेंगी सास ससुर को माँ बाप क्यों मानेंगी आप अपनी ये सास बहू का झगड़ा यूनिवर्सल है हाँ ये हर जगह मिलेगा आपको हर जगह ऐसा है क्या हाँ जी ऐसा है हाँ जी देखिए मेरे तो नहीं इसका सासू है कौन नहीं मेरे तो सासू है कौन नहीं हाँ जी इनका ससुरा है सासू को नहीं और मारा सासू ससुरा है को नहीं ये मारा बहू है क्या आपकी बहू है मेरे देवर का है या अच्छा हाँ मेरा आई को नहीं है और ये है या मेरी आप शहर में रहती थी गांव आ गई तो लाइफ चेंज हो गई बहुत बहुत डिफरेंट सेटल होने में बहुत टाइम लगा वहाँ का खाना पीना रहना सहना सब अलग बहुत डिफरेंट और यहाँ पे जो है आकर के आप जैसे शहर में रहती हो तो आपको अलग तरीके के लोग अलग तरीके की चीज़ें होती हाँ सोच विचार रहना सहना खाना पीना हर चीज़ बैठना उठना सब चीज़ अलग बहुत डिफरेंट क्या क्या जैसे शहर के मुकाबले गांव में क्या क्या बदलता है डिफरेंट ये है कि भाई जैसे आज़ादी का वही है भाई यहाँ पे भाई लड़कियाँ नहीं खुल के रह सकती हैं अच्छे से पढ़ाई का लिखाई का हर तरह की सोच के हिसाब से बस आपने क्या पढ़ाई की मैंने प्लस टू किया है और एलटी कोर्स किया है हाँ तो यही है बस बच्चों के ऊपर सोच विचार का
पुराने सोच रखना यहाँ और शहर में थोड़ा यूं है, चेंजेस है। नहीं तो अभी भी जैसे आप जो आप उस बात का जिक्र कर रहे थे कि बेटियाँ होती हैं तो ज़्यादा लोग खुश नहीं होते, पहले तो ऐसा बोलते थे कि जैसे बहुत आरोप लगते थे कि भ्रूण हत्या हो जाती थी, ये चीज़ें हो जाती थी, अब तो उसमें सुधार आया है ना? हाँ, हमारे हरियाणा में इतना नहीं है, ये सब हरियाणा में नहीं है इतना। हमारे शादी क्यों नहीं होती? क्योंकि ज़मीन नहीं है, आजकल ज़मीन देखते हैं, नौकरी नहीं है, इसलिए लड़कों की शादी नहीं होती जाटों में। और लव मैरिज का कल्चर है क्या इधर? हैं मिल जी है जी, है जी, लव मैरिज का भी है। हाँ जी, चले आपने देखी कोई? देखी है जी। जो माँ बाप रिश्ता देखते हैं ना, जो रिश्ता माँ बाप देखते हैं उन पे वही अगर आजकल निभ नहीं रहा तो ये अभी लव मैरिज करके चली जाती हैं लड़कियाँ या लड़के ले आते हैं, वो कहीं की नहीं रहते ना, माँ बाप से दूर हो के ऐसे ऐसे कदम उठा के उनसे दूर हो जाना, फिर वो अगर थोड़ा बहुत अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो वो जाने लायक नहीं रहती ना लड़कियाँ अपने घर वापस, क्योंकि माँ बाप ठुकरा देते हैं वो लड़की ऐसा कदम उठाए तो। नहीं तो ऐसे आपसी सहमति से दोनों परिवार मिलजुल के कर? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए आपसी सहमति। हाँ, सहमति, आप ऐसा विश्वास बनाओ बच्चों में कि बच्चे आपको खुल के बात करें। आप अगर आप पहले ही डर बिठा दोगे बच्चों में तो बच्चे नहीं बोलेंगे आपको और वो ये कदम उठाएंगे। आप ऐसे बनो ना बच्चे के माँ। आप इधर आ जाओ ना, उधर मुंह करके क्यों बैठी हो, आप लोग इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चा? 9th। तो यहाँ जैसे गांव में लड़कियों के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पढ़ना ज्यादा चुनौती पूर्वक होता है क्या? क्यों? मतलब बन गई रील, बन गई है? मतलब लड़कों को मतलब सभी पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने फोकस नहीं करते लड़कियों पे। यहाँ की पढ़ाते हैं, यहाँ की तो लड़कियाँ कितना नाम कर रही हैं देश में, पहलवान हैं, बॉक्सर हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। मतलब ये कहते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, पढ़ाना कम चाहिए उनको, क्योंकि लड़कियाँ ज्यादा पढ़ती तो बिगड़ जाती है आगे जाके, कहते हैं यहाँ पर। अच्छा, लड़कियाँ पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगे और लड़के पढ़ेंगे तो नहीं बिगड़ेंगे? हाँ, ऐसे ही कहते हैं यहाँ पर, ऐसा ही होता है। ये सोच गलत है या सही है? गलत है, बहुत गलत है। गलत है? हाँ। आपके घर वालों को समझाया आपने? हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, इसकी मम्मी इसके दौरे बैठे जी। हाँ। मैं इसकी मम्मी हूँ। आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी है। तभी तुरंत इन्होंने आप तुरंत क्रेडिट ले लिया क्या? मैं हूँ बेटी, तो बताओ ना, बताओ, मैं ही बता दूँ, पहले इसकी मम्मी हूँ मैं। ये तो अच्छा है, अभी माँ बाप के लिए तो आगे चल के आपका नाम करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्या नाम बच्चे? श्रुति। तो जैसे श्रुति होगी तो ये बोलेंगे श्रुति की मम्मी हूँ, श्रुति कलेक्टर बन गई है। अच्छा लगेगा जी, अच्छा तो लगेगा जी, बच्चा जो बड़ी पोस्ट पर होगा जो। कितने बच्चे हैं आप? दो बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? ना जी, कोई भेद को नहीं, लड़का इसे छोटा है या बड़ी है? लड़का छोटा है, तो बराबर दोनों को जो है भैंस का दूध टाइम से मिल जाता है? हाँ जी, दोनों को। इसने फालतू मिला जी दूध, दूध तो छोड़ दो। हाँ जी, 18 साल राज करगी इंदिरा गांधी, एक थी ना 18 साल राज करगी, लड़के जा मिले हो रहे, और लड़की लड़का एक हुए हैं समझने वाले ने तो, और बिना समझने ने कुछ भी कोई नहीं होता। क्या करते हो आप जी? घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं? हम भी घर पे ही रहते हैं, सब लोग घर पे ही रहते हैं, कोई बाहर थोड़ी ना रहता है, घर पे ही रहेंगे सब। मतलब सिलाई करते हूँ मैं। अच्छा, और नौकरी तो है नहीं, तैयारी करते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता फिर। ये पेपर वाली समस्या हर कोई बता रहा है, बहुत ज्यादा हरियाणा में तो पेपर वाली समस्या, पेपर होता है, कोर्ट केस हो जाता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा फॉर्म निकलते हैं, पेपर होते फिर कैंसिल हो जाते हैं, हर बार यही दिक्कत होती है। अच्छा, ये बताओ आप जो जैसे ये जैसे कह रही थी कि लड़कियों पर शादी का प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मेरी फैमिली में तो नहीं है अभी लग तो शादी का प्रेशर। हाँ, और मैं 27 की हो गई, अभी लग तो नहीं है शादी का प्रेशर मेरे ऊपर। नहीं, हर, हर
किसी की सोच एक जैसी नहीं होती थी ना माँ बाप की, हर किसी की एक सो नहीं होती। हाँ सोचते हैं कि भाई लड़की की शादी जल्दी कर दे हम, कहीं ज़्यादा पढ़ा लिया, कहीं गलत कदम ना उठा दे, ये सोच ज़्यादा है आजकल लड़कों के मुकाबले। क्या होता है गलत कदम का, मतलब लोग क्या सोचते हैं? वही लव मैरिज वाला, वही चले जाना, बस ये है इनकी सोच, यही है आज के टाइम। हाँ लेकिन हर किसी की नहीं है, अब चेंज हो रहा है, हर किसी की नहीं है, न्यू जनरेशन है जो, उनकी सोच नहीं है ये। जो पहले वाले हैं उनका ये है कहना, अगर ज़्यादा पढ़ाया, बाहर किया, अप डाउन गई, अगर शहर से बाहर जाना पड़ा, गांव से बाहर जाना पड़ा, तो कोई कुछ गलत कदम ना उठा ले, गलत रास्ते पे ना चल जाए, तो इसलिए इसलिए नहीं निकालते लड़कियों को बाहर। कॉलेज बाहर होता है, शहरों में होता है, घर का काम में ज़्यादा लगा। हाँ गाँव घर के काम में लगाते हैं ज़्यादा, घर के काम मतलब खाना बर्तन ये, और भैंस, भैंस तो सबसे जरूरी है, भैंस भी तो, क्या क्या बताया था, क्या रखते हैं, डांगर, डांगर डांगर रखते हैं। मम्मी तुम्हारी इतनी शर्मा रही है, पहली बार, अच्छा गांव में आपके पहली बार ऐसे कोई कैमरा और ये मोबाइल माइक आया? हाँ जी, इतना शर्मा जी, कैमरा कैसे भी बोलने का कभी मौका को नहीं मिला पहले। जी मैं आपको माइक दे दूँ, आराम से आप बोलो ना जी, फोन लिया जाओ जी माइक इधर डांगर। अच्छा ये जो आपके डांगर होते हैं, इनका एक एक पशु का खिलाने पिलाने का क्या खर्चा होता है? खर्चा तो बहुत है जी, खर्चा तो बहुत है। आपको आता है दादी दूध निकालना? आता है गाँ का भी, महेश का भी दूध कर लिया। इनका चारा जो डांगर लिया है ना, जो डरिया मत है, 5 किलो चाट चूरी खड़े, और 5 किलो बेंदोड़े, 5 मेथी सारा सौदा चारा गिरे तो खूब तो घी लकड़े, खूब टिंडी लकड़े, काटनी हो तो किसी की खड़म तो नेरा दूध का डंगर का गात और कटा है सारा। अब इसका अनुवाद कर दीजिए जरा, आप बताइए इनका तो। क्या बोला दादी ने? दादी ने बोला कि जितना ज्यादा आप डालते हो ना बिंदोड़े खड़ तो घी ज्यादा निकलता है, खड़ खड़ डालते हो तो बस सिर्फ दूध निकलता, घी नहीं निकलता। पशु का मतलब कमजोर होते हैं मैस, मतलब उनको खाना, उनका उनके खाने का ध्यान रखना। हाँ खाने का ध्यान रख, जितना खाने का ध्यान रखते हैं उतना ज्यादा दूध और घी देती है। आप निकाल लेते हो दूध? नहीं नहीं निकालते, नहीं मैंने नहीं किया ये सब। सीखा कभी आपने? नहीं, मेरी सास करती है। आप उनकी सास है? कितने जानवर पाले आपने है? अब आप शर्मा क्यों रही हो? 3 भैंस ले रहे हैं। 3 घर से तो आपका तो ज्यादा ही हो जाता होगा? और ज्यादा तो इधर सारे दिन चल रहा है, कुआ गोबर गेड़ा, कुआ सानी गेड़नी, कुआ पानी पैने, कुआ नुआनी, कुआ बाहर, कुआ भीतर, सारे दिन चल ही जैसे। अच्छा। और डांगरा में करी जाओ, बहु अपने रोटी पानी कर ले, गुआरी पोंछे कर ले, बालकान रख स्कूल में भेज। आपका क्या नाम बच्चे? कविता। कविता क्या कौन सी क्लास में हो? 12th में। ऐसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया। पढ़ना अच्छा लगता है खेलना? पढ़ना भी है खेलना। अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है, रील चलाना देखना अच्छा लगता है? पढ़ना। सही में? सही में। ये सब मम्मी दादी लोग बैठी हुई इसलिए ऐसा बोल रही हूँ ना? नहीं देखते हैं, फोन भी देखते हैं। मोबाइल मिल गया क्या? नहीं। इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है? नहीं नहीं बना रखी। तो फोन में क्या देखती हूँ? बस यूट्यूब चलाते हैं, पढ़ाई भी कर लेते। कैसा है गाँव में आपकी पढ़ाई का माहौल? अच्छा है। अच्छा है, स्कूल है? हाँ बहुत है स्कूल, गांव में भी है। और इसके बाद कॉलेज के लिए जाना हो तो कितना दूर जाना पड़ेगा? इसार है 25 किलोमीटर है। यहाँ से वहाँ डेली जाना पड़ेगा? हाँ डेली। साधन चलते हैं गांव के आस पास? बस आती जाती रहती। तो ये अच्छा है, आप लोग का गाँव बहुत अच्छा है, मैं देख रहा था, मतलब हमारे गांव की तरफ से ज़्यादा समृद्ध है आपके गांव। आप मतलब इस तरफ हरियाणा में जब मैं आया हिसार के इस पास, तो गांव में जो घर हैं वो ज़्यादा समृद्ध आपको नज़र आएंगे। हर गांव में एक बड़ा सा क्रिकेट का मैदान है, मैदान है क्रिकेट का नहीं, वो कोई गेम्स खेलते हैं बच्चे, एथलीट और ये जो सारे निकलते हैं आप देखते हो, तो वो एक कल्चर डेवलप किया गया है हरियाणा में। जो हम देखते हैं ना इतने खिलाड़ी निकलते हैं या फिर जो ओलंपिक में मेडल आया या किसी भी गेम में मेडल आया, वो क्यों आता है उसकी सोच आप हरियाणा के गाँव में आएंगे तो देखने को मिलेगी कि गाँव स्तर पर जो है मैदान बनाए गए हैं
बाकी जगहों की तरह नहीं कि थोड़ा सा एक हिस्सा खाली है तो उस पर कब्जा कर लें, इस तरीके की चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैदान बनाए गए हैं, यहाँ पे पोखर अलग से होते हैं, यहाँ पे जो ग्राम समाज की जगह है वो अलग से होती है, यहाँ पे विद्यालय बनाए गए हैं, कन्या विद्यालय अलग है, ठीक है ना, मैं सही बता रहा हूँ? मॉडल स्कूल भी है, हाँ, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। और सरकारी स्कूल कैसा है? अच्छा, सरकारी स्कूल में ही पढ़े हम, नौवीं दसवीं में। हाँ, मतलब आप सरकारी स्कूल की हालत भी देखेंगे तो आपको बाकी जैसे हम कल्पना करते हैं उस तरीके की नहीं है, सरकारी स्कूल भी अच्छी हालत में है, तो इसलिए ये जगह ज़्यादा प्रॉस्परस है। खेती बहुत अच्छी है आप लोग के, है ना, खेती खूब होती है ना, खूब हो जी। आप लोग क्या है, तो आप लोग, आपके कितने खेत है? 20 किले। 20 किले, आप बड़े जागीरदार हो हैं, क्या चीज़, बड़े जागीरदार हो। तो 20 किले में मतलब कितने बीघे होते हैं? किला मतलब यहाँ किला एकड़ को बोलते हैं ना, एकड़ को बोलते हैं ना, किला बोलता है जी, बीघा को बोलता है। आप कहाँ से हो? बिहार के हूँ जी। आपकी शादी यहाँ हुई है? हाँ, यहाँ पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इसे मजदूरी करने आए। अच्छा, कहाँ से हो? बिहार से आप? मधेपुरा जिला के जी। मधेपुरा जी, जहाँ के पप्पू यादव? हाँ, पप्पू यादव जहाँ के हैं उधर के। बीमा भारती? हाँ। यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? क्या करे जी, मजदूरी नहीं मिला कि गांव में, खेती जमीन नहीं है अपनी, कुछ नहीं है। यहाँ आपके किसके खेत में काम करते हो? ऐसे आए कहीं मकान के लेकर किराया भरा रख रहते हैं। खेती करते हो आप लोग? नहीं, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो इस गांव में कैसे? सही है। कब से हो यहाँ इस गांव में? मैं तो 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। 6 साल से यहीं पे हो? फिर बिहार नहीं जाते आप? बिहार जाते हैं साल पर 6 महीना में, 2 साल में भी जाते हैं। वहाँ पे कमाई नहीं हो पाती, वहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती? नहीं है जी, कुछ नहीं है, हमको जमीन में कुछ नहीं है। बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं क्या बिहार से? बहुत संख्या आता है जी, बहुत आता है। आपके गांव में भी आते हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में बिहार से लोग आते हैं मजदूरी करें? हाँ आओ है जी, बिहार से भी आओ है, खूब मजदूरी करना हो जी, धान काटे जब भी आओ, गेहूँ में भी आओ है, खूब आओ। धान काटने आते हैं और लगाने भी आते हैं। तो यहाँ आपके प्रमुखता धान और गेहूँ उगाया जाता है या और कुछ भी उगाते हैं? धान गेहूँ जी, दो ये खेती हैं जी। अड़ कपास वपास भी उगाया जाता है? कौन है जी कपास? दादी महंगाई वहंगाई कुछ लगती है कि बढ़ी है या ठीक है? महंगाई मुंगई क्या लग दी है, जमींदार सरकार ने जमा तड़न घेर दी जमींदारी है, कितनी महंगी चीज कर दी सारी, और जमींदार की कर दी सारी सस्ती, जमींदार रगड़ रखे सरकार ने। अच्छा, आप लोगों को जो है उससे सरकार से नाराजगी है? अच्छा, और अब जो है आप लोगों के जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या सोचते हो कि वो खेती किसानी करें या कुछ और दूसरा काम करेंगे? नौकरी तो पंदी को नहीं, बड़का ने पढ़ लिख के सारे फीस भर भर फार्म भर भर के सारे गद मारे तड़े ने, कुछ नौकरी जिसका घर में बैठे नो भी तेने बड़े बड़े पढ़े उड़े ये भी आपके मजदूरी करें बेचारे, और मजदूरी है जमींदार की, और के है जमींदार की? जमींदार मतलब जिसकी जमीन होती है खेती करते हैं वो। हाँ, ये आपका बच्चा है? हाँ। तुमको ले चलेंगे गाड़ी में बैठा के, क्या नाम है? आरव। तुम्हारी बंदूक कहाँ गई? पैक के तोड़ दी किसी ने? अब कैसे आएगी? तूने पैंट पहना है कि नहीं पहना है? तो ये हम हरियाणा के गांव में आए, लोगों से जानने समझने की कोशिश की, यहाँ का शादी विवाह कल्चर और रहन सहन, ज़्यादातर ये सब कृषि प्रधान इलाके हैं, यहाँ सब कुछ खेती पे डिपेंडेंट है। और शादी वादी होती है तो यहाँ सोना वोना का कल्चर है क्या? हाँ, देना पड़ता है, यही है हैसियत के हिसाब से। ये नहीं है। एक शादी में कितना खर्चा होता है? कितना हो जाएगा? पाँच सात तो आराम से ही, 5-7 लाख में हो जाती है। हाँ, लड़की की है? हाँ, नॉर्मल पड़ता है, काम चलाना पड़े है, काम चलाना और क्या। तो पैसे लोग पहले से इकट्ठा करते होंगे?
पहले ही करने पड़े है माँ बाप ने तो अपनी बेटी खातर या बेटे खातर, बेटी पर तो और भी ज्यादा खर्च करना पड़े है कि भाई अगला बंदा बेटी ने दुख नहीं देवे इस वजह से, चाहे जितना भी हो उसके वे तो अपना पूरा मतलब लगाव है जितना भी हो है बड़े केवल की। हाँ हाँ ये बहुत ऐसे हल्के फुल्के में बहुत बड़ी बात कह गई कि माँ बाप जो होते हैं वो पूरा पैसे खर्च करते हैं बेटी की शादी में ताकि बेटी सुखी रहे। ये दहेज और ये जो तमाम कल्चर होते हैं ये कई बार जो है खुशी के शक्ल में सामने आते हैं, बोले हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपनी बेटी की खुशी के लिए जो देना हो दे दो, ऐसा होता है। और इसमें भी एक कहीं ना कहीं डिमांड छिपी होती है, हैं कितना है दे दे वो तो भर आए उन कर दा। हाँ वो तो एक आधा बंदा सोया में एक जो नहीं लेंदा, नहीं तो जितना दे उतना ही कम है, चाहे कितनी है भी पढ़ी लिखी लड़की हो लेकिन माँ बाप ने देना पड़ा है अपनी हैसियत के हिसाब से, तो कोई भी हो कितना गलत है ये, बहुत गलत है, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो आपकी बेटी ने देवे है तो अपनी मतलब जितनी भी उसने कमाई हो है नहीं इज्जत जो भी लगा लियो इतनी बड़ी कर दी वा, फिर भी वो मांगण की लालच उसका बढ़ता है जावे है, जब भी गाड़ी दे दो इबनू दे दो इबनू दे दो, या तो डिमांड है कितनी है ले लो, नू तो कौन देख दे भाई अगले ने घर पैड़ के दिया है तारा अग छोरी दे ही है, तो उसी हिसाब से है कुछ भी सुविधा को नहीं लड़कियां खातर तो कुछ भी। मैं खुद खेलिया कर दी, मैं डिस्ट्रिक्ट तक गई थी लेकिन आगे किसी का सपोर्ट ही कौन मिला, क्योंकि ना तो घर का इतना ब्योर था कि मैंने आगे भेज सके, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे और माँ जो थी मतलब बाहर इतना आना जाना कौन था, कमी वो किले है जो वो कम है 3.5 किले है, तो इस टाइम मेरा खुद का एक कौन काम चलिया करता, मेरा मतलब 24,500 रुपया आए थे मेरे उस हिसाब से, नुए लागे जाते खाण पीन का कुछ इतनी सुविधा कौन थी, तो मैं तुम्हें कहूँ कुछ भी सुविधा को लड़कियां खातर तो खेलन खालन के हिसाब तक पढ़ाई के हिसाब तक कुछ है देख लो, जो है वो लगा दो घर के, ना है तो कुछ भी को नहीं। या क्या नाम है आपका? रीना। क्या कौन सा गेम खेलती थी आप? मैं कबड्डी भी खेलिया कर दी लेकिन मेरी सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में वो लॉन्ग जंप में आई थी, और स्पोर्ट्स जो यो है ना क्या था के थी वह मेरा नंबर पढ़िया था ना, मेरा नंबर पढ़िया था स्पोर्ट्स गेम है, मतलब मैं तो 2-3 मेरे अच्छे थे, मतलब मैं तो अग अलग और खेलना चाहती थी लेकिन स्पोर्ट नहीं मिला, बहुत कम मिला है। और घर क्या नहीं इस वजह तो भाई अग लड़कियों का शोषण हुआ है, इस वजह तो कितने भी कौन भेजा, लेकिन मेरी खुद की डिमांड थी कि मैं इस आ रह के खेल सकूँ अग कुछ कर सकूँ, मेरा खेलने में ज़्यादा रुचि थी। लेकिन अब क्या है घर के तो यही सोचे भाई हाँ शादी कर दिया अग ठीक मिल जाएगा, अग अपना आप बसा लेगी जो भी है, ये छोटी छोटी चीज़ हाथ न सिला आवे है तो ब्यूटी पार्लर का कर लेगी, बस ये चीज़ है और कुछ है ही नहीं लड़कियों की, तो गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है, शहर के तो ये है भाई शहर आड़े में भी यो कमी निकालते हैं लड़की पता नहीं कहाँ फिर रही होगी, वो है ये है वो है कुछ कुछ नू इल्ज़ाम लगते रहे है। वो लड़के कुछ भी करते हैं तो नहीं नहीं उनका तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ डग जाता है। ये कितनी ज़रूरी बात इस बच्ची ने बताई, हम लोग हंसी मजाक में गांव के रीति रिवाजों को समझ रहे थे और इन्होंने कितनी ज़रूरी बात कही कि लड़कियों को कितने जनजातों से सामना करना पड़ता है, और वो देखो अभी ये टैलेंटेड हैं आगे बढ़ना चाहते हैं काम करना चाहती हैं लेकिन सपोर्ट नहीं है पिता नहीं है, ऐसे तमाम तरीके की कंडीशंस हर बच्चे परिवार के साथ कई बार हो जाती हैं, लेकिन वो जो लड़कियों की हालत पे बात की वो बिल्कुल सत्य बात है। इस देश को इस समाज को ज़रूरी है ज़रूरत है, अब वक्त का तकाजा भी यही है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ये चीज़, लेकिन अब लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है। लड़के अगर अच्छा कर सकते हैं करते हैं तो लड़कियाँ उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं या उनके बराबर अच्छा करती हैं, गेम्स में ले लीजिए पढ़ाई में ले लीजिए, आप टॉपर्स की लिस्ट उठा के देख लीजिए,
जितनी जल्दी ये सोच बदलेगी उतना ज़्यादा हमारे देश हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। हम एक गांव में आए, यहाँ पे महिलाओं से लड़कियों से बुज़ुर्गों से बातचीत की। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।